अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 6। ज्योग्राफी क्लास 7 में हमारा छठा लेक्चर है। इससे पहले 5 लेक्चर में हमने 150 तक एमसीक्यूज कर लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे 151 एमसीक्यूज से लेक्चर नंबर 6 में। एमसीक्यूज 151 है, डेट साइक्लोन आर मोस्टली फाउंड इन नॉर्थन यूरोप एंड काज रेन एंड स्नोफॉल, टेम्परेट ट्रॉपिकल टोर्नेडोज। इसका सही जवाब है टेम्परेट। टेम्परेट साइक्लोन जो है ये मोस्टली नॉर्दर्न यूरोप में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बारिश और बर्फबारी होती है। 152 है, द साइक्लोन ओरिजिनेट इन ट्रेवलिंग इन ट्रॉपिकल जोन आर नोन एज, वो साइक्लोन जो ट्रॉपिकल जोन में ओरिजिनेट होते हैं और ट्रेवलिंग भी करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। एमसीक्यूज 153 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोन सम टाइम रीच टू द कोस्टल एरियाज ऑफ पाकिस्तान, कौन से साइक्लोन हैं इनमें से जो बाज़ औक़ात पाकिस्तान के साहली इलाकों तक पहुँच जाते हैं, टेम्परेट ट्रॉपिकल एंड टॉर्नेडोज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ट्रॉपिकल। एमसीक्यूज 154 है, डैश इज अ सेंटर ऑफ एक्सट्रीमली लो प्रेशर, टॉर्नेडोज जो है ये सेंटर है एक्सट्रीमली लो प्रेशर का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 155 है, द प्रोसेस इन विच वाटर ड्रॉपलेट चेंज इन टू वाटर वेपर इज कॉल्ड, वो प्रोसेस जिसमें वाटर ड्रॉपलेट वाटर पेपर में चेंज हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को एवेपोरेशन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 156 है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन, उसको हम किस चीज़ से मेजर्ड करते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो होती है एटमॉस्फेयर में उसको हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से मेजर करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 157 है, द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन एयर इज 10 ग्राम एंड इट्स कैपेसिटी इज 20 ग्राम, देन द रेशो ऑफ ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर विल बी, जब अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी 10 ग्राम हो एयर में कैपेसिटी 20 ग्राम हो तो रेशो क्या होगी ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, तो ये होगी 50%, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इसका फार्मूला है वो आ गया, मैं आपको बताता हूँ किस फार्मूले से आपने इसको निकालना है। 158 है, इस तरह की एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन एयर इज 15 ग्राम, कैपेसिटी अगर 20 ग्राम हो पेयर रेशो क्या होगी ह्यूमिडिटी की, पेयर 75% होगी, ऑप्शन नंबर बी। 159 एमसीक्यूज है, कहते हैं कि अगर ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन एयर 20 ग्राम हो, कैपेसिटी भी 20 ग्राम हो तो पेयर रेशो क्या होगी ह्यूमिडिटी की, यहाँ पे पेयर 100% होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। फार्मूला जो है वो है वाटर वेपर मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय कैपेसिटी। इस फार्मूले की मदद से हम ऊपर तीनों सवाल जो है वो हल कर सकते हैं। 160 एमसीक्यूज है, व्हेन द रेशो ऑफ ह्यूमिडिटी इन एयर इज 100% देन इट इज कॉल्ड, जब एयर में ह्यूमिडिटी की मकदार जो है रेशो जो है वो 100% हो जाए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेचुरेटेड एयर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 161 है, द टेम्परेचर एट विच द एयर बिकम सेचुरेटेड इज कॉल्ड, वो टेम्परेचर जिस पे एयर जो है सेचुरेटेड बन जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको ड्यू पॉइंट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। एमसीक्यूज 162 है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफार्मिंग अप वाटर वेपर इनटू ड्रॉपलेट इसको कंडेंसेशन कहा जाता है, ये ऑपरेशन के उलट है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है कंडेंसेशन। एमसीक्यूज 163 है, समटाइम्स द वाटर ड्रॉपलेट आर सो स्मॉल दैट एयर कीप देम सस्पेंडेड, कुछ बाज़ औक़ात वाटर ड्रॉपलेट इंतहाई छोटे होते हैं कि एयर उसको सस्पेंड करता है अपने आप में, नीचे गिरने नहीं देता, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फॉग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है फॉग। 164 है, क्लाउड्स आर डिवाइडेड इनटू डैश टाइप्स, क्लाउड की कितनी अकसाम है, क्लाउड की 4 अकसाम है, ऑप्शन नंबर बी। 165 है, हाइट ऑफ डैश क्लाउड्स आर 8-12 किलोमीटर, प्योर वाइट एंड ब्राइट इन कलर एंड डू नॉट काज रेन पार, कौन से क्लाउड है जिसकी हाइट 8-12 किलोमीटर है जो कि बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, ब्राइट भी होती हैं और आमतौर पर बारिश उससे नहीं होती, ये सेरस क्लाउड है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। एमसीक्यूज 166 है, डैश क्लाउड्स आर मोस्टली वाइट और लाइट ग्रे इन कलर, फॉर्म एट ए हाइट ऑफ 5 किलोमीटर एंड यूजुअली काजेज नो रेनफॉल, कौन से क्लाउड जो है वो तकरीबन लाइट ग्रे या वाइट कलर में होते हैं जो 5 किलोमीटर की बुलंदी पे बनते हैं, इससे भी बारिश नहीं होती, ये कोमुलस क्लाउड होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। कोमुलस क्लाउड आर मोस्टली वाइट और लाइट ग्रे इन कलर। एमसीक्यूज 167 है, डैश आर क्लाउड्स ऑफ लो एल्टीट्यूड मोस्टली फॉर्म इन विंटर कास रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन हेयर एरियाज, लो एल्टीट्यूड के जो क्लाउड होते हैं जिसकी वजह से मौसम सरमा में बारिश बर्फबारी वगैरह होती है हिली एरिया में, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटस क्लाउड्स, ये स्ट्रेटस क्लाउड होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है।
168 MCQs है. डैश क्लाउड्स आर मोस्टली फाउंड नियर दियर सरफेस एट ए डिस्टेंस ऑफ नियरली 2 किलोमीटर. कॉजेस हैवी रेनफॉल एंड यूजुअली कॉज डार्कनेस. वो क्लाउड जिसको हम 2 किलोमीटर तक तकरीबन देख सकते हैं, 2 किलोमीटर की बुलंदी पे वो बनते हैं, जिसकी वजह से बहुत तेज़ बारिश होती है और आमतौर पर अंधेरा पैदा होता है उससे. वो कौन से होते हैं? वो होते हैं निम्बस क्लाउड्स. निम्बस क्लाउड ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है. 169 है. द फॉलिंग बेक अप वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड. इसको कहा जाता है प्रेसिपिटेशन. ऑप्शन नंबर ए. फॉलिंग बेक अप वाटर वेपर जो होती है एटमॉस्फेयर में उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं. 170 है. देयर आर डैश टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन के कितने अकसाम हैं? प्रेसिपिटेशन की 4 अकसाम हैं. ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है. 171 है. द लाइन्स ज्वाइनिंग द एरिया हैविंग सेम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन आर कॉल्ड. वो लाइन नक्शे में वो इलाके जहाँ का जहाँ सेम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन की मिकदार होती हैं, तो उन इलाकों को हम हास लाइनों से ज्वाइन करते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है आइसो हाइट्स. ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, आइसो हाइट्स. 172 है. इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रेसिपिटेशन अकर इन द फॉर्म ऑफ. दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, बहुत ज़्यादा इलाकों में प्रेसिपिटेशन जो होता है किस फार्म में वाकया हो जाती है? वो अमूमन रेन के फार्म में होती है, बारिश के फार्म में. ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, रेन. 173 है. द हाईएस्ट रेनफॉल अकर्ड इन चेरापूंजी इंडिया वेयर एवरेज एनुअल रेनफॉल इज़. दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश जो है ये भारत के एक मुकाम चेरापूंजी में होती है जो उत्तर प्रदेश में वाकया है. यहाँ कहते हैं कि एनुअल रेनफॉल कितनी होती है. यहाँ एनुअल रेनफॉल तकरीबन 460 इंचेस होती है. ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, 460 इंचेस. 460 इंचेस. 174 है. डैश इज़ ए फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन रेफर टू द स्मॉल पैलेट्स ऑफ आइस. ये इसको कहा जाता है स्लीट. स्लीट जो है प्रेसिपिटेशन की एक किस्म है. 175 है. ओशियंस हैव डैश परसेंट ऑफ वाटर फाउंड ऑन द अर्थ. ओशियन जो है उसका कितने परसेंट पानी जो है अर्थ उस पर मुश्तमिल है? 97%. ऑप्शन नंबर सी. 176 है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश ओशियन वाटर कैन नॉट यूज़ फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन. किसकी मौजूदगी की वजह से हम ओशियन वाटर को एज ए ड्रिंकिंग या एज ए इरीगेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते? साल्ट की मौजूदगी की वजह से, चूँकि ओशियन वाटर में बहुत ज़्यादा मिकदार में साल्ट मौजूद होता है जिसकी वजह से हम उसको ड्रिंकिंग के लिए या इरीगेशन पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो एस एम सी क्यूज़ का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साल्ट. 177 है. अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट अबाउट 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर. एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की कितनी फीसद आबादी जो है वो ज़रात से एग्रीकल्चर से मुंसलिक है? 60% आबादी जो है ये ज़रात एग्रीकल्चर से मुंसलिक है. 60%. ऑप्शन नंबर सी. 178 है. डैश इज़ एन ओल्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्टार्टेड व्हेन ह्यूमन स्टार्ट लिव टुगेदर एंड वैलीज ऑफ रिवर नील रिवर इंडस डैश. कौन सा जो है ये सबसे ओल्ड मेथड है एग्रीकल्चर का? ये सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है ये ओल्ड मेथड है एग्रीकल्चर का. ऑप्शन नंबर ए. 179 है. इन डैश फार्मर ग्रो दोस टाइप ऑफ क्रॉप विच आर यूज्ड एज फूड फॉर देयर फैमिलीज फॉर एग्जांपल वीट राइस मेस. किस किस्म के एग्रीकल्चर में फार्मर जो है वो उन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं ज़मीन में जिस जो अपने फैमिली के लिए बतौर खुराक इस्तेमाल करते हैं? ये भी ऑप्शन नंबर ए है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. ऑप्शन नंबर ए, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. 180 है. इन डैश टाइप ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज इंटेंसिवली क्रॉप्ड. इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इट इज़ ट्राइड टू गेट मोर प्रोडक्शन फ्राम ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड. कौन सा तरीका है एग्रीकल्चर का जिसमें हम ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े से बहुत ज़्यादा मकदार में प्रोडक्शन लेते हैं? इसको कहते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर. ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर. सो व्यूअर्स, ये था लेक्चर नंबर 6. इससे आगे आने वाले जो MCQs है वो उनको हम लेक्चर नंबर 7, 8 वगैरह में करेंगे. उम्मीद है आपको हमारा आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके. शुक्रिया.